हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की ओर से किए गए हमलों के बाद इसराइल ने जंग शुरू कर दी है। इस कारण पहले से ही खराब इसराइल और अरब देशों के रिश्ते और खराब हो गए हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के इस संघर्ष में पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। फिलिस्तीन के साथ संघर्ष की वजह से पहले भी इसराइल को अरब देशों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा है, और अब जब एक बार फिर नई जंग शुरू हो गई है तो ऐसे में अरब देशों के साथ टकराव और बढ़ गया है। ऐसे में जब इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया दो खेमे में बढ़ गई है, पूरी दुनिया की नजर अरब वर्ल्ड पर है। जो देशों की इस जंग को अरब के देश किस तरह देखते हैं, इस पर नजर डालने की जरूरत है। सामान्य हो गए मिस्र इसराइल को मान्यता भी देता है और राजनयिक संबंध भी बनाए रखता है। इसके साथ ही लगातार फिलिस्तीनियों के अधिकारियों की वकालत भी करता है। मिस्र ने पहले भी इसराइल हमास संघर्ष में मीडिएटर की भूमिका निभाई है। दोस्तों, जॉर्डन की बात करें तो ये उन दो अरब देशों में से एक है जिसने इसराइल के साथ शांति समझौता किया है। साल 1994 में दोनों के बीच शांति समझौता हुआ था। इसके बावजूद फिलिस्तीनी शरणार्थियों की आबादी के कारण जॉर्डन के नागरिकों की भावनाएं काफी हद तक फिलिस्तीनी समर्थक बनी हुई है। दोस्तों, लेबनान की बात करें तो इसराइल और लेबनान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसका अहम कारण लेबनान में ईरान समर्थित शिया आतंकी संगठन हिजबुल्ला की मौजूदगी है। दोस्तों, फिर आते हैं सीरिया। इसराइल और सीरिया भी दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। दोनों के बीच गोलान हाइट्स को लेकर विवाद बना रहता है। सीरिया हमेशा फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन करता है। दोस्तों, फिर आते हैं सऊदी अरब वाले। इसराइल और सऊदी अरब के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं और वो फिलिस्तीनी मुद्दे का कट्टर समर्थक रहा है। हाल में ही इसराइल और सऊदी अरब के संबंधों में नरमी के संकेत देखे गए थे। दोस्तों, फिर संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने 2020 में अब्राहम समझौते के जरिए इसराइल के साथ संबंध सामान कर लिए थे। यूएई के इसराइल के साथ आर्थिक संबंध भी मजबूत है। दोस्तों, 1946 में अरब लीग ने इजिप्ट की राजधानी काहिरा में एक स्थायी बहिष्कार समिति का गठन किया। यहूदियों के बहिष्कार का यह प्रस्ताव 1948 में इसराइल की स्थापना के बाद भी जारी रहा। इसका मकसद फिलिस्तीन के यहूदी इंडस्ट्री को कमजोर करना और क्षेत्र में यहूदियों के इमिग्रेशन को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र के टू स्टेट सॉल्यूशन के प्रस्ताव के बाद यह बॉयकॉट स्ट्रेटजी ज्यादा तेज हुई, लेकिन इसका नतीजा मनमाफिक साबित नहीं हुआ। अरब देशों को जब यह लगा कि इसराइल के बहिष्कार की यह नीति उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है जितना उन्हें अंदाजा था, इसके बाद दूसरे बॉयकॉट की स्ट्रेटजी लाई गई। इसके तहत गैर इजरायली कंपनियों को इसराइल के साथ कारोबार करने से रोका गया। जो कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही थी उन्हें अरब वर्ल्ड बड़ी फुर्ती से ब्लैकलिस्ट करने लगा। अरब लीग के बायकॉट का इसराइल की अर्थव्यवस्था और विकास पर नकारात्मक असर पड़ा, लेकिन साथ में ही अरब देशों की आर्थिक कल्याणकारी नीतियां भी प्रभावित हुई। अरब मुल्कों के आगे चलकर इसराइल के खिलाफ परमानेंट बायकॉट समिति का गठन भी किया, जिसका नतीजा यह निकला कि इसराइल और अरब मुल्कों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अरब मुल्कों ने लगातार इसराइल के बहिष्कार की नीति को अपनाए रखा। अरब लीग ने इसराइल के साथ डॉक, टेलीफोन और रेडियो कम्युनिकेशन बंद कर दिया और समुद्र, जमीन और वायु तीनों माध्यमों से इसराइल को ब्लॉक करके रखा। तो दोस्तों, आने वाले समय में देखते हैं कि कौन सा देश इसराइल का साथ देगा और कौन सा देश हमास यानी फिलिस्तीन के साथ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।